अब की बार 400 पार और इससे कम कुछ भी नहीं। इस लक्ष्य को हासिल करने के सिवा बीजेपी को शायद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पाने के लिए बीजेपी कोई भी समझौता करने को शायद तैयार खड़ी है। बीजेपी का इस बार टारगेट दक्षिण रहा है, क्योंकि दक्षिण को बगैर साधे बीजेपी 400 पार का सिर्फ सपना देख सकती है। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का यह सपना पूरा होगा या नहीं, यह तो दूर की बात है, लेकिन जिस लक्ष्य को पूरा करने के खातिर बीजेपी ने दक्षिण की धरा पर एक गलत फैसला ले लिया है, उसने पूरे देश में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। और इस भूचाल का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। यह शख्स कर्नाटक के हासन से सांसद है और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का पोता है। देश के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी घिनौनी मानसिकता वाले इस कथित अपराधी ने सैकड़ों महिलाओं के अश्लील वीडियो जबरन बनाए हैं। इस संबंध में एसआईटी गठन के बाद यह आरोपी जर्मनी भाग गया है, लेकिन पीछे कई तरह के सवाल खड़े कर गया है, जिसने न केवल बीजेपी पर बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना ने फिर से बीजेपी के गठबंधन वाली सीट हासन से सांसद का चुनाव लड़ा है। 26 तारीख को वोटिंग हो चुकी है और उसके लिए वोट मांगने के लिए खुद पीएम मोदी पहुंचे थे, जबकि कर्नाटक से बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों के बारे में पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा चुके थे। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सितंबर 2023 में ही पत्र लिखकर रेवन्ना को समर्थन देने से मना किया था। उसकी करतूतों की एक एक कली खोल कर रख दी थी। देवराज गौड़ा के मुताबिक उसने 11 जनवरी 2024 को फिर से बीजेपी आलाकमान को पत्र लिखा, उसके बाद प्रेस वार्ता भी की और प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रज्वल रेवन्ना ने कई महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है, कई महिलाओं का शोषण किया है, बलात्कार किया है, जबरन उनके वीडियोस बनाए हैं और उनके करीब 2900 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बनाए हैं। उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसके बावजूद भी बीजेपी नेताओं पर उसका कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद फरवरी और मार्च में खुद गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर मैसूर आते हैं। कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता अमित शाह को प्रज्वल की उम्मीदवारी के खिलाफ में बातें करते हैं, उन्हें रोकते हैं कि उसके जघन्य कांड को बताते हैं, लेकिन देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात कहने वाले देश के अग्रदूत गृह मंत्री को तब भी अपना मिशन साउथ ही नजर आया शायद, और आगे 400 पार। आखिरकार इस कथित भगोड़े अपराधी सांसद को एनडीए का उम्मीदवार फिर से बना दिया गया और उसको जिताने के लिए खुद पीएम मोदी प्रचार प्रसार में उतर गए। उन्होंने इसके लिए वोट भी मांगे। इसके बाद कर्नाटक की महिला आयोग के संज्ञान में यह मामला आया और उसके बाद एसपी को नोटिस जारी किया गया। सीएम के निर्देश पर इस दिल दहलाने वाली घटना पर एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी गठन के दूसरे ही दिन प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ जर्मनी चला गया। चुनावी माहौल है तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इस मामले पर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसका आईटी तंत्र इतना मजबूत है कि कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे, इस कथित अपराधी सांसद को टिकट दे दिया। इसके अलावा माना जाता है कि देश के चाणक्य अमित शाह और किसी की भी कुंडली निकालने में माहिर पीएम मोदी से कैसे चूक हो गई जो इसे एनडीए ने अपना प्रत्याशी बना दिया। क्या 400 पार के अलावा बीजेपी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? क्या देश की महिलाओं के मान सम्मान गरिमा का हनन करने वाले के खिलाफ दक्षिण की एक सीट नहीं छोड़ी जा सकती थी? खैर, बीजेपी के इस फैसले से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, कई चर्चाओं को जन्म दिया है। सियासत का स्तर इस कदर गिर जाएगा तो सवाल तो खड़े होने ही हैं, लेकिन बीजेपी अपनी एक सीट के लालच में क्या यह भूल गई कि इस कथित अपराधी के खुलासे के बाद बाकी बची 353 सीटों का क्या होगा? अभी चुनावों के 5 चरण बाकी हैं और बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ कई शीर्ष नेतृत्व के बीजेपी के नेता इस फैसले से असंतोष जाहिर कर रहे हैं कि जानते बूझते प्रज्वल को एनडीए का उम्मीदवार क्यों बनाया गया। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि पीएम मोदी के इशारे पर ही चुनाव परिणाम आने तक उसे जर्मनी भेज दिया गया है, लेकिन इस मामले ने
फिलहाल पूरे देश में भूचाल खड़ा कर दिया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जनता दरबार के लिए विजय वर्मा।